तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं ऐसी पांच हिंदू वीरांगनाओं के बारे में जिन्होंने इतिहास में अपनी अमिट छाप छोड़ी। नंबर एक, रानी चेनम्मा। रानी लक्ष्मीबाई से भी पहले कर्नाटक के कित्तूर की रानी चेनम्मा ने अंग्रेजों से जमकर लोहा लिया था। बेटे और पति की मृत्यु के बाद उन्होंने राज्य संभाला तो अंग्रेजों ने उनसे सत्ता हथियाने की कोशिश की। इस पर रानी चेनम्मा ने अंग्रेजों के खिलाफ जमकर युद्ध किया। बाद में अंग्रेजों ने उन्हें कैद कर लिया। नंबर दो, रानी लक्ष्मीबाई। झांसी के महाराजा गंगाधर राव की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी रानी लक्ष्मीबाई ने राज्य संभाला और दामोदर को गोद ले लिया। ब्रिटिश सरकार ने झांसी को अपने कब्जे में करने के लिए बालक दामोदर को उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया। आखिरी युद्ध में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते लड़ते रानी लक्ष्मीबाई वीरगति को प्राप्त हो गई। नंबर तीन, राजकुमारी रत्नावती। जैसलमेर नरेश महारावल रतन सिंह की बेटी थी। रतन सिंह की बेटी को जैसलमेर किले की सुरक्षा सौंप दी थी। इसी दौरान बादशाह अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने किले को घेर लिया। राजकुमारी रत्नावती इससे घबराई नहीं, उन्होंने युद्ध में अपनी सेना का संचालन किया और खिलजी के सेनापति मलिक काफूर सहित 100 सैनिकों को बंधक बना लिया। नंबर चार, रानी ताराबाई। रानी ताराबाई छत्रपति शिवाजी महाराज की पुत्रवधू थी। औरंगजेब के सेनापति ने 8 सालों तक जिंजी किले पर कब्जा करने की कोशिश की लेकिन रानी ताराबाई के चलते नहीं कर सका। उन्होंने कई सालों तक मुगल बादशाह औरंगजेब से मराठा साम्राज्य को बचाए रखा। नंबर पाँच, रानी दुर्गावती। रानी दुर्गावती गोंडवाना की रानी थी। पति की मौत के बाद रानी दुर्गावती ने बेटे का मार्गदर्शन करते हुए शासन किया। रानी दुर्गावती ने कई लड़ाइयाँ लड़ी। मुगल बादशाह अकबर का सेनापति ख्वाजा अब्दुल मजीद आसफ खान के खिलाफ रानी दुर्गावती का आखिरी युद्ध था। युद्ध में घायल होने पर भी लड़ती रही। आखिर में आत्मसमर्पण करने की जगह खुद को खंजर मारकर प्राणों का बलिदान दे दिया। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।